हेलो फ्रेंड्स इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं आई कैन नॉट रिमेंबर माई मदर पोएम रिटन बाय रविन्द्रनाथ टैगोर और अब से आपको मेरे वीडियो पर बाई लैंग्वल मैंने चैनल पर बाई लैंग्वल वीडियोज मिलेंगी मतलब बहुत इंग्लिश और हिंदी तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने पोएम को और ये पोएम बहुत ज़्यादा इमोशनल है और दिस पोएम इज रिटन बाय रविन्द्रनाथ टैगोर हु इज़ अ ग्रेट पोएट एंड हु गॉट नॉबल पीस प्राइस इन लिटरेचर इन नाइनटीन For collection of his poem that is Gitanjali, uh, and Rabindranath Tagore has also composed the uh, national anthem of our country that is Jan and he is one of the most uh, great poet of India. So now let us read the poem, and then uh, its summary. So this is the poem. Uh, let me read the poem one i cannot remember my mother only sometime in the midst of my play a tune seems to hover over my playthings the tune of some song that she used to hum while rocking my cradle i cannot remember my mother but when in the early autumn morning the smell of the sully flowers floats in the air the scent of the morning service in the temple comes to me as the scent of my mother Okay, I, can, I cannot remember my mother. Only when from my bedroom window I send my eyes into the blue of the distant sky, I feel that stillness of my mother's gaze on my face has spread all over the sky. So, this is the poem that is written by Ravina Tagore. I cannot remember my mother. Now, let us see the summary of this poem and try to understand this poem. So, this summary I have written for you this poem now let us read this summary this poem is written by a great indian poet ravindranath tagore as we all know that the composer of this poem i cannot remember my mother is ravindranath tagore this poem shows the emotional feeling of a child towards his mother who is dead मतलब एक छोटे से बच्चे की फीलिंग दिखाई गई है उसकी मदर मतलब उसकी फीलिंग्स क्या है टुवर्ड्स तो हिज मदर मतलब उसकी मदर के लिए और उसकी मदर अभी हिज मदर इज नॉट लिविंग मोर हिज मदर इज डेड इन दिस पोएम अ चाइल्ड इज ट्राइंग टू रिमेंबर हिज मदर सो द चाइल्ड इज ट्राइंग टू रिमेंबर हिज मदर नाउ

उसको खिलौना यानी कि टॉयज के ऊपर से फ्लोट होती है मतलब कि गुजरती है और वो उसकी उस, उसको उसकी मम्मी की याद कैसे दिलाती है क्योंकि वो जो ट्यून गुजरती है वो उसकी मम्मी गाया करती थी या फिर गुनगुनाया करती थी वाइल रॉकिंग रॉकिंग हिज हिस्सल मतलब क्रेडल मतलब होता है झूला उसके झूले को झुलाते वक्त जो उसकी मम्मी गाना गाती थी वही सेम गाना उस उसके प्ले थिंग्स के ओवर से मतलब उसके खिलौनों के ऊपर से गुजरता है जिससे उसको उसकी माँ की याद आ जाती है ऐसा फर्स्ट स्टैंडा में होता है तो चलिए देखते हैं कि सेकंड स्टैंड में उसको उसकी माफियात कैसे आती है इन द सेकंड स्टैंड द फ्रेग्रेंस ऑफ द शिवली फ्लावर्स गैडर्ड फॉर द मॉर्निंग सर्विस कम्स टू द चाइल्ड एज द सीन ऑफ सेंट सॉरी यहाँ पे सीन गलती से लिख गया है यहाँ पे होना चाहिए आ, ऐसे सेंट यहाँ पे सीन नहीं होगा सॉरी oh, तो यहाँ पे गलती से मैंने सीन लिख दिया यहां पे सेंट होगा सेंट ऑफ हिज मदर एंड रिमाइंड सेम ऑफ हिज मदर और, और सेकंड स्टैंजा में उसको उसकी माँ की याद तब आती है वो flowers, जो स्यूली फ्लावर्स स्यूली फ्लावर्स मतलब वो फ्लावर जो ऑटम के ऑटम के समय में ज्यादा होते हैं उनके पास एक ऑरेंज सेंटर होता है और उनके पेटल्स वाइट कलर के होते हैं तो जो स्यूली फ्लावर्स गैदर्डर होते हैं मॉर्निंग सर्विस के लिए मॉर्निंग सर्विस मतलब जो मॉर्निंग प्रेयर्स होते हैं ना टेम्पल्स में उसको यहाँ पे मॉर्निंग सर्विस के थ्रू डिनोट किया गया तो मॉर्निंग सर्विस के लिए जो फ्लावर्स गैदर होते हैं स्यूली फ्लावर्स वो उसको उसकी मम्मी की याद दिलाता है क्यों क्योंकि उसकी मम्मी भी सेम वही स्यूली फ्लावर्स का यूज करती थी मॉर्निंग प्रेयर करने के लिए तो इस तरह से इसको उसकी माँ की याद आती है सेकंड स्टैंडर में अब थर्ड स्टैंडर देखते हैं इन द थर्ड स्टैंडर द चाइल्ड लुक्स द फार अवे स्काई फ्रॉम हिज बेडरूम विंडो ही सी दैट हिज मदर इज द चाइल्ड थिंग्स दैट हिज मदर्स फेस हैड स्प्रेड ऑल ओवर द स्काई और थर्ड स्टैंड में वो जो चाइल्ड है वो जब अपने बेडरूम से अपने बेडरूम के विंडो से स्काई पे देखता है तो उसको उसकी माँ दे, उसको देखते हुए दिखती है और पूरे स्काई में उसकी माँ की फोटो उसको स्प्रेड ऑल ओवर दिखती है तो ये ये था समरी आई कैन नॉट रिमेम्बर माई मदर कोयम का और मैंने आपको इसको एक्सप्लेन भी कर दिया है अब यू कैन टेक द स्क्रीन शॉट ऑफ दिस समरी इफ यू वॉन्ट ओके सो वी विल मीट इन द नेक्स्ट वीडियो